हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। दोस्तों, हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है एक नई मूवी जिसका नाम है शिद्दत, जो बॉलीवुड की वही पुरानी लव स्टोरी से है थोड़ी हटकर। कहानी के साथ साथ मूवी में है नए और रिफ्रेशिंग चेहरे जिन्हें देखते टाइम आपको बोरियत फील नहीं होने वाली है। मूवी की कहानी घूमती है जग्गी के आसपास, जिसे हो चुका है एक सुंदर लड़की से प्यार। ये जानने के बाद भी कि लड़की लंदन जाकर किसी दूसरे लड़के से शादी करने वाली है, जग्गी का ना तो प्यार कम होता है और ना ही शिद्दत। कहानी स्टार्ट होगी एक डार्क मोड से, लेकिन छोड़ेगी आपको रंगीन दुनिया में। बीच बीच में आप फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाने वाली फीलिंग से गुजर सकते हैं, लेकिन फिर तभी मूवी वापस से आपको पकड़ लेगी और फिर आप हो जाएंगे एंडिंग जानने के लिए बेचैन। मूवी देखते टाइम आप जो कुछ भी गेस करेंगे, एंडिंग में क्लाइमैक्स आपको उसका ऑपोजिट दिखाकर देने वाला है जबरदस्त झटका। डायरेक्टर ने दो लव स्टोरीज को एक कहानी में जोड़कर किया है एक्सपेरिमेंट, जो कहीं ना कहीं थोड़ा तो सक्सेसफुल हुआ है। आइए नजर डालते हैं मूवी के गुड और बैड एस्पेक्ट्स पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, बाकी और कोई हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द गुड एस्पेक्ट्स। अभी हाल ही में शेरशाह मूवी के सॉन्ग्स ऑडियंस की फेवरेट प्लेलिस्ट में ऐड हैं और अभी शिद्दत का स्लो एंड स्वीट साउंड ट्रैक आ चुका है। दोस्तों, मूवी का म्यूजिक आपको बेहद पसंद आने वाला है, फिर चाहे वो बर्बादिया सॉन्ग हो या फिर हमदम। सॉन्ग्स के लिरिक्स इतने बेहतरीन हैं कि आप डेफिनेटली उन्हें रिपीट मोड में सुनने को मजबूर होने वाले हैं। अंकित तिवारी, सचेत परंपरा और मनन भारद्वाज जैसे गजब के सिंगर्स की आवाज इन साउंडट्रैक्स को और भी अट्रैक्टिव बना देती है। अगर तुम मुझे लंदन में नहीं मिलती तो पेरिस में मिलती, अगर तुम मुझे पेरिस में नहीं मिलती तो एम्स्टर्डम में मिलती। मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी गली और किसी भी कूचे में ढूंढ निकालता ही, क्योंकि तुम किस्मत हो मेरी। कैरेक्टर्स, दोस्तों मूवी में लीड कैरेक्टर्स में दिखने वाले हैं आपको सनी कौशल, जो कि विकी कौशल के यंगर ब्रदर हैं, और इनकी एक्टिंग भी आपको काफी इम्प्रेसिव लगने वाली है। जग्गी के किरदार में सनी एकदम फिट लगते हैं, उनका कॉमेडियन वाला रूप हो या फिर रोमांटिक, अपने हर सीन में उन्होंने काफी फाइन परफॉर्मेंस दी है। इसके साथ ही दिखेंगे आपको मोहित राणा, जिन्होंने निभाया है IFS ऑफिसर गौतम का कैरेक्टर। अगर हम कहें कि गौतम इस मूवी का बैकबोन है तो गलत नहीं होगा। उनका इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस इस मूवी में देखने को मिलेगा कि आप सच में ये कहेंगे कि ये बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड एक्टर्स में से एक हैं। उनकी एक्टिंग काफी नेचुरल है और ऐसा लगता है जैसे वो बिना किसी प्रेशर के अपने कैरेक्टर को कैरी कर रहे हैं। वहीं अगर फीमेल कैरेक्टर्स को देखें तो राधिका मदान एज कार्तिका और डायना पेंटी भी अपने रोल्स के साथ न्याय करती हुई नजर आई हैं। हालांकि दोनों के ज्यादा इंडिविजुअल सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे, बट स्टिल जब भी वो स्क्रीन पर आती हैं तो एक फ्रेश एनर्जी फील होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ टू स्टोरी। दोस्तों, शिद्दत मूवी में आपको डायरेक्टर कुणाल देशमुख का 2-in-1 का कॉन्सेप्ट काफी धमाकेदार लगने वाला है। मूवी में आपको दो लव स्टोरी साथ साथ चलती हुई देखने को मिलेंगी, दोनों एक दूसरे से हैं बिल्कुल अलग। डायरेक्टर ने जिस तरह से कैरेक्टर्स और सीन्स को मैनेज किया है वो वाकई अप्रिशिएबल है। दोनों ही लव स्टोरीज में आपको बोरियत नहीं लगने वाली। इनफैक्ट यू विल बी अमेज़ कि डायरेक्टर ने दोनों स्टोरीज को एंड में ले जाकर कैसे कनेक्ट किया है। कहानी स्टार्ट होगी पहली लव स्टोरी से, जहाँ से शुरू होगी दूसरी लव स्टोरी, और एंड तक जाते जाते किस लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होने वाला है और किसका नहीं, ये तो आप मूवी देखने के बाद ही जान पाएंगे। क्लाइमैक्स, हियर कम्स द बेस्ट पार्ट एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट वन। डायरेक्टर का बेस्ट डायरेक्शन और कॉन्सेप्ट आपको इस पॉइंट पर दिखने वाला है। पूरी मूवी में आप जो कुछ भी गेस करेंगे, आपको क्लाइमैक्स पार्ट पर पहुंचकर एक ऐसा झटका लगेगा कि आप कहेंगे अरे ये क्या था। डायरेक्टर ने वही सो कॉल्ड बॉलीवुड स्टाइल को रिपीट ना करते हुए एक अलग स्टोरी के साथ उसका एक यूनिक क्लाइमैक्स दिखाया है, जो जाते जाते आपके दिल और दिमाग दोनों को ही हिला देने वाला है। चलिए अब बात करते हैं मूवी के बैड एस्पेक्ट्स की। लैक ऑफ डेप्थ इन द लव स्टोरी। दोस्तों, मूवी में जग्गी का कार्तिका नाम की लड़की के प्यार में पागल हो जाना तो समझ आता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है वो समझ नहीं आता। आई मीन, यू जस्ट कांट फॉल इन लव फॉर गुड लुक्स, राइट? स्टोरी में जो मिसिंग लगने वाला है वो है डेप्थ। अगर डायरेक्टर और राइटर थोड़ा और वर्क करते तो कुछ सीन्स को हटाकर कार्तिका और जग्गी की लव स्टोरी को डीप में दिखा सकते थे, जिसमें उनके बीच कुछ कॉन्वर्सेशन देखने को मिलती, बॉन्डिंग देखने को मिलता, एंड देन ऑडियंस रिलेट भी कर पाती जग्गी के इस कदर इश्क वाले लव से। इलॉजिकल सीन्स। मूवी में कुछ सीन्स इतने इलॉजिकली प्रेजेंट किए गए हैं कि आप कितना भी चाहें उनका मतलब आप नहीं समझ पाएंगे। लाइक जब गौतम जग्गी को रूम में लॉक कर देता है तो वो बाहर कैसे निकलता है। आई मीन,
कथाओं। सेकंड, जग्गी अपना और कार्तिका का जो फोटो पोस्ट करता है वो वायरल कैसे हो जाता है। जग्गी इज अ नॉर्मल गाय राइट। इसके अलावा भी आपको कुछ सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ डायरेक्टर और राइटर दोनों ने ही अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया है। स्लो पेस एक और ड्रॉबैक जो आप मूवी देखते टाइम फील करने वाले हैं वो है इसका स्लो पेस। जहाँ मूवी स्टार्टिंग में तो आपको काफी कुछ होता हुआ दिखाती है लेकिन इंटरवल पर पहुंचने के बाद इसकी रफ्तार पड़ जाती है थोड़ी धीमी और फिर बस डायरेक्टर कुछ देर के लिए आपको वहीं के वहीं घुमाता रहता है। आई फील कि इस स्लो पेस को हटाने के लिए डायरेक्टर कुणाल देशमुख जग्गी और कार्तिका की लव स्टोरी को थोड़ा और डीपली दिखा सकते थे जिससे ऑडियंस कनेक्टेड फील करती। दोस्तों एक लाइन में अगर शिद्दत मूवी का रिव्यू दिया जाए तो इट्स एन इमोशनल एंड फ्रेश एनर्जी पैकेज। लेकिन अगर आपको बॉलीवुड की लव स्टोरी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती तो वी वुड सजेस्ट कि आप इस मूवी को ना देखें। और अगर आप भी लव स्टोरीज में बिलीव करते हैं और एक हटकर लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो इसे जरूर देखें। वेल, आपको मूवी कहीं ना कहीं खुद से कनेक्ट भी करेगी और एंटरटेन करने के साथ साथ इमोशनल भी करेगी। तो जल्दी से जाइए और हॉटस्टार पर इस मूवी को देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन टेक केयर।